टांडा बरोड ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में चीनाबाई पति गिना अछाले ने अपने प्रतिद्वंदी अनिता आरसे को हराकर 750 वोटों से जीत दर्ज की है। टांडा बरोड ग्राम पंचायत में 11 सितंबर को हुए उपचुनाव में दो प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कराया था, जिसमें 7 साल सरपंच पद पर रह चुके गीना अछाले ने अपनी पत्नी चीनाबाई अछाले को मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सरपंच रोशनी रूप कुमार कुमरावत के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर खाली हुए सरपंच पद पर अनिता आरसे को पंचों ने निर्विरोध सरपंच चुना था। उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें चीनाबाई अछाले ने 750 वोटों से जीत हासिल की। जैसे ही चीनाबाई अछाले की जीत की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल बन गया। बाजार चौक बस स्टैंड पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। टांडा बरूर से रुपेश प्रजापत की रिपोर्ट। आज बरूर में सरपंच चुनाव का परिणाम आया है और आज आप चंद्र सिंह वास्तव जी बरूर आए हैं, तो आपने बधाई के लिए आए हो और कोई भी कार्यक्रम रखा है? नहीं, मैं तो आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारी बहन श्रीमती चीना पति गिना यहां पर बरूर में सर्वाधिक मतों से विजय श्री प्राप्त करी, उसके लिए मैं बधाई शुभकामनाएं देने आया। और निश्चित ही केंद्र में राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ की बरूड की जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और यहाँ पर पूरा गांव भाजपा के साथ है, विकास के साथ है। और आप लोगों ने जो भरोसा दिलाया है चीना भाई को जीता के, निश्चित ही चीना भाई आपके विश्वास पे खरा उतरेगी और बरूड में हम सब मिलके बरूड का चहमुखी विकास करेंगे। अभी भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, इस बारे में कुछ कहेंगे? सदस्यता अभियान भी, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और हम सबको गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हम सभी कार्यकर्ता चुनाव के साथ साथ इस अभियान में लगे हैं। और आज भगवानपुरा विधानसभा में हमने 8 दिन के अंदर 10,000 सदस्य बनाए हैं और हमको जो टारगेट दिया, लक्ष्य दिया है, वो आने वाले समय में हम निश्चित ही सर्वाधिक सदस्य बनाकर और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। चंद्र सिंह भास्कले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।